हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम फाइलम कोडेटा की स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने फाइलम कोडेटा की कुछ करेक्टरिस्टिक, देन पाइसेस, पाइसेस में कार्टिलेजिनस फिशेस, मोनी फिशेस और उनके एग्जांपल्स को सबको एक ट्रिक से याद किया था। उसके बाद हमने रेप्टाइल्स को ख़त्म किया, एम्फीबियंस को ख़त्म किया और आज हम एप्स की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एप्स, एप्स का सिंपली मतलब होता है बर्ड्स, यानी यहाँ पर आज हम बर्ड्स की स्टडी करने वाले हैं। और एप्स की अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, डेट इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, यानी जितनी भी बर्ड्स हैं सब में फेदर्स प्रेजेंट होंगे। फेदर्स सिंपली मतलब होता है पंख। यार, आप सभी ने मोर का पंख तो जरूर देखा होगा, मोर अपने पंखों के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट, ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट होते हैं। हम वर्टिब्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर हमें वर्टिब्रेट में एग्नाथा, गेंथोस्टोमाटा, देन गेंथोस्टोमाटा में भी हमने पाइसेस, टेट्रापोड, टेट्रापोड में हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और आज हम एप्स पढ़ रहे हैं। तो ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं। अभी तक हमने जितना पीछे पढ़ा, कुछ वाटर में रहने वाले थे, कुछ वाटर और लैंड दोनों जगह पाए जाते थे और कुछ प्योरली लैंड पे प्रेजेंट थे, लेकिन ये फर्स्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ये एक बर्ड ही है लेकिन ये फ्लाइंग नहीं, ये फ्लाइटलेस है, यानी उड़ नहीं सकती है। इनमें बीक प्रेजेंट होती है बट टीथ एब्सेंट होते हैं। आप सभी ने अगर बर्ड्स देखे हैं तो आपने बीक तो उनकी देखी ही होगी, उन्हें बीक प्रेजेंट होती है। हम टेट्रापॉड की स्टडी कर रहे हैं। ये टेट्रापॉड यानी डेटिज टू पेयर ऑफ लिम्स, यहाँ टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक पेयर को हम फोर लिम्ब कहते हैं और दूसरे पेयर को हिंड लिम्ब कहते हैं। फोर लिम्ब को आप अपने हाथों से समझ सकते हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं वो फोर लिम्ब हैं और जो आपके दोनों पैर हैं, लेग्स हैं, वो हिंड लिम्ब हैं। तो जो इनके फोर लिम्ब्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में और फ्लाइंग में यूज होते हैं, और जिनके हिंड लिम्ब हैं मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए और क्लाइंबिंग के लिए। जनरली इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते, पूरी बॉडी पर इनके स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते, बट हिंड लिम्ब्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्किन, स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, इनकी स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, यहाँ पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, नाम से पता चल रहा है ऑयल ग्लैंड। और ये ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ टेल, यानी टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऑयल ग्लैंड यानी इनका सिक्रीशन जो है ऑयली सिक्रीशन होता है, और ये ऑयली सिक्रीशन फेदर्स को वाटर प्रूफ कंडीशन प्रोवाइड करता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बोनी होता है। जनरली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं विद एयर कैविटीज, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, और ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। अब हॉलो हैं तो लाइट वेट होगा उनका, इसमें कोई दो राय नहीं, और एयर कैविटीज हैं तो वहां पे एयर प्रेजेंट होगी, मतलब एयर फील्ड बोन है, और ऐसी बोन को ही हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं। मतलब इसी को दूसरी तरह से मॉडिफाई करके ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो हमने उसको भी यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में दो एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट क्रॉप एंड सेकंड गिजार्ट। क्रॉप जो है यूज होता है टेम्पररली फूड को स्टोर करने के लिए। जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रेन्स हो या इंसेक्ट्स को कुछ भी, वो बहुत ही जल्दी खाते हैं, मतलब वो स्टोर कर लेते हैं, उनके पास वो तुरंत उसे मेस्टिकेट नहीं करते हैं। तो पहले टेम्पररली वो स्टोर कर लेते हैं फूड को क्रॉप में। आपने देखा होगा बर्ड्स के नेक के पास हल्का फूला हुआ स्वेलन पार्ट होता है, वो क्रॉप होता है। और देन गिजार्ट, गिजार्ट में वो बाद में फूड मेस्टिकेशन, उस फूड का मेस्टिकेशन होता है, यानी गिजार्ट जो है एक टिथ की तरह काम करता है। हालांकि इनमें टिथ एब्सेंट होते हैं, हमने पहले बताया है, लेकिन गिजार्ट जो है क्योंकि मेस्टिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लाइक अ टिथ काम कर रही है। फर्स्ट टाइम वॉर्म ब्लडेड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। वॉर्म ब्लडेड मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रख सकते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। और ये आपको कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक हमने आपको पाइसेस वाले लेक्चर में बता दी थी, उसका लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। रिस्पायरेशन बाय लंग्स ही होगा, और इनके लंग्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं एयर सैक्स से, मतलब इनके लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि लगभग सभी को पता होता है, फिर भी आप देख लीजिए। यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को पता होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। ओविपेरस होंगे, ये एग ले करते हैं, यार अंडे तो सभी ने खाए होंगे, जो नहीं भी खाता है सुना तो होगा ही, तो बर्ड्स एग ले करते हैं इसलिए वो ओविपेरस है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। अब इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं।
इनमें कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम काफी डिफर हैं, तो उनके लिए हमने एक ट्रिक बना दी जिससे आप उसे आसानी से याद रख पाएंगे, और जिनके कॉमन और साइंटिफिक नेम दोनों मिलते जुलते हैं उन्हें हमने इस ट्रिक में इंक्लूड नहीं किया, उन्हें आप जनरली वैसे ही याद कर लेंगे। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस का कुछ भी सेंस निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम सेंटेंस बता दे रहे हैं आपको, नई वाली काली पिग। नई वाली क्या है, काली पिग आप अपने हिसाब से देख लेना। नई वाली काली पिग, पैसे पर अपना पेन, पैसे पर अपना पेन। यह नई का मतलब है न्यूफ्रॉन, वाली मतलब वल्चर, काली मीन्स कोलुम्बा, पिग मतलब पिजन। यहाँ नेफ्रॉन को ही हम वल्चर भी कहते हैं, कोलुम्बा को ही हम पिजन भी कहते हैं, यानी पिजन जो है कोलुम्बा का कॉमन नेम है। पैसे का मतलब है पेस्टिकुला, पर मतलब पैरेट। यहाँ अपना, अपना का मतलब है एप्टेनोडाइटिस, और पेन मतलब है पेंगुइन। अब कुछ और दो तीन एग्जांपल रहे थे जो हमने ट्रिक में नहीं इंक्लूड किए, उन्हें हमने यहाँ लिख दिया है। कॉर्वस का सिंपली मतलब होता है क्रो, जो कि मिलता जुलता है, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। स्ट्रोथियो का मतलब है ऑस्ट्रिच, और पेवो का मतलब है पिकॉक। दोस्तों ये आप ही हमने एफ्स पूरा खत्म कर लिया है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हो गए हैं, शायद कुछ भी नहीं छूट रहा, कुछ एक दो तो पॉइंट्स हमने बाहर के भी करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियो